पत्थर ऋषिकेश नीलकंठ दुग्गड़ मार्ग पर मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। माना जाता है यहाँ पर एक गैणा डांडा नामक स्थान है, जहाँ पर आज भी परियों का निवास है और यहाँ की आछरियों ने कपरवाण व रौदुण जाति का समूल ही नाश कर डाला। इन परियों में इन परिवार के साथ कुछ ऐसा किया जिससे हर व्यक्ति के रूह कांप जाएगी। माना जाता है गैण डांडा की परियां हमेशा धान कूटने भेलडूंग गांव आया करती थी। रात भर वो धान कूटती, चौपत्ती खेलती और सुबह सवेरे धान के भूसे को ओखली के आसपास बिखेर कर चली जाती थी। जब लोग सुबह सुबह उठते थे तो वे ये समझ नहीं पाते थे कि आखिरकार इतना भूसा उनके घर के आसपास कहाँ से आ जाता है। देखते देखते कई दिन बीत गए, पर भूसा का यूं अजीब तरह से फैलने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। अंततः पूरे गांव वालों ने एक दिन पूरी रात जागने की योजना बनाई। उस दिन चांदनी रात थी। सारे गांव वाले चुपचाप होकर उस घड़ी का इंतजार करने लगे। लगभग 12 बजे के करीब अचानक अजीब सी मदमोहक संगीत की स्वर लहरियों के साथ हवा में तैरती हुई कई अप्सराएं धरती पे उतरी। उनके हाथ में बड़ी बड़ी मूसल थी, सूप थे व धान के घिल्डे पीठ में लदे हुए थे। वे इतनी अप्रीतम थी कि जिसकी भी नज़र पड़ी वह उन्हीं के वशीभूत हो गए। तांत्रिक प्रधान ने अपनी तंत्र विद्या से सबको गूंगा बना दिया था ताकि कोई भी आवाज़ ना कर सके, क्योंकि आवाज़ करते ही परियां उस व्यक्ति को हर लेती थी और अपने साथ ले जाती थी। लोग यह सब देखकर हैरान रह गए और यह बात आसपास के गांवों को भी पता चलनी शुरू हो गई। जब तांत्रिक प्रधान ने उन्हें अपने बस में करने की एक योजना बनाई। एक दिन जब यह सब चल रहा था तब प्रधान ने उन्हें ललकारा तो वे प्रधान की ओर लपकी। इसी बीच प्रधान ने पहले से ही जो चावल मंत्र लगाकर तैयार कर रखे थे तो वे उन्होंने परियों के ऊपर फेंक दिया और परियों को कील दिया। परियां अदृ मूर्छित हो